कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर में कांग्रेस के महापौर में बनने पर कहा कि जो काम भाजपा ने 15 सालों में नहीं किया वो कांग्रेस सरकार ने 1 साल में विकास का कार्य किया है। 1 साल का विकास कार्य जीत का आधार है। विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस सरकार स्मार्ट सिटी का स्वप्न पूरा करेगी। बहुमत से ज्यादा मतों से रायपुर में महापौर बनाया गया है और विधायक विकास उपाध्याय से खास बातचीत की सत्या राजपूत में। रायपुर का मेयर घोषित हो चुका है, एजाज देवर बहुमत से जीत गए। इस वक्त हमारे साथ विधायक विकास उपाध्याय है। सर, हैट्रिक आप लोगों ने लगा ही लिया, क्या कहेंगे? देखिए, निगम परिषद में लगातार हम लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे थे और जिस प्रकार से परिणाम आए, राजधानी में पहली बार 34 सीट हम लोग चुनाव जीते हैं और जिस प्रकार से 1 साल के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे कि राज्य सरकार की, भूपेश बघेल जी की सरकार, तो उसमें आम आदमी को सहूलियत और फायदा पहुंचाने वाला काम हुआ है, जिसकी वजह से हम 34 सीट जीते और 41 सीट से हमारा महापौर का प्रत्याशी चुनाव जीता है। बहुमत से भी ज्यादा, बहुमत 36 का होता है, उससे ज्यादा 40 वोट पर हम चुनाव जीते, तो अपने आप ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार से निर्दलीय भी हमारा समर्थन किए, ये अपने आप में एक अलग उत्साह कांग्रेस पार्टी के लिए है। अब प्रदेश सरकार भी यहाँ पे कांग्रेस का है, महापौर है, काम किस तरह से विकास कार्य होंगे? देखिए, पिछले 2 बार से तो हमारे महापौर निगम परिषद में थे ही, अब ये तीसरी बार भी हम लोग जीते हैं, इसका जरूर कुछ ना कुछ जरूर इसका फायदा हम रायपुर राजधानी को मिलेगा। पहले कितना समस्या आती थी विकास कार्य को लेकर, चूंकि बीजेपी के सरकार की, बीजेपी की सरकार जो मूलभूत समस्या है उसको रोकने का काम करती थी, उसको रुकवाती थी, लेकिन हम लोगों ने लगातार बहुत मेहनत करके यहाँ पर सरकार भी बनाई और आम आदमी से जुड़े हुए काम को करने का प्रयास भी किया। तो अभी आपने सुना कि